हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक एनआईटी की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे मांगे गए हैं सेशन 23-24 के लिए। नया नोटिफिकेशन है और यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट जो है 7 देखने को मिलेंगे। सीट्स नोटिफाई नहीं की गई हैं। आप यहाँ पर फुल टाइम और पार्ट टाइम पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अच्छी बात यहाँ पर एक ये है कि अगर आप यहाँ पर नेट और गेट क्वालिफाई हैं तब भी आवेदन कर सकते हैं। फेलोशिप अवेलेबल है, अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे तो फेलोशिप का लाभ आप ले सकते हैं। टेस्ट और या फिर आपके यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके माध्यम से सिलेक्शन ले पाएंगे। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सी सब्जेक्ट्स और उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी ये दोस्तों हमारे कोर्स हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन पर क्लिक करके डिटेल्स पढ़ सकते हैं और आप उन्हें ज्वाइन कर पाएंगे और उनका लाभ आप ले सकते हैं। चलेंगे नोटिफिकेशन पे, बात करेंगे हम यहाँ पे इंस्टीट्यूट के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको जो इंस्टीट्यूट है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिजोरम की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर मांगे गए हैं, जो कि एक नेशनल इंस्टीट्यूट है और एक और जो यहाँ पर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें आपकी इस नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पर 10/10/2023 को पब्लिश किया गया है और यहाँ पे सेशन 23-24 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके नोटिफिकेशन में पहले ही आपके यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम और आपके यहाँ पे जो पीएचडी की कैटेगरी है वो मेंशन कर दी गई है और ये आपका यहाँ पे स्पेशलाइजेशन एरिया मेंशन किया गया है जिसमें आप पीएचडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको डिपार्टमेंट्स बता दे रहा हूँ, बाकी यहाँ पर आप देखेंगे ये फुल टाइम बताया गया है और यहाँ पर जहाँ पर आप फुल टाइम या रेगुलर पीएचडी करेंगे उन्हीं कैंडिडेट्स को यहाँ पर सिर्फ फेलोशिप मिलेगी। बाकी अगर आप यहाँ पे पार्ट टाइम या स्पॉन्सर्ड करेंगे तो आपको यहाँ पे फेलोशिप नहीं मिलेगी। आप तो यहाँ पे आपकी जो फेलोशिप है विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम है, जो आप यहाँ पे इसका लाभ लेके आप पीएचडी कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपके डिपार्टमेंट्स की, तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप फुल टाइम और आप यहाँ पर स्पॉन्सर्ड सेल्फ फाइनेंस्ड पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। रिसर्च एरियाज आप दिए गए, आप चेक कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको डिपार्टमेंट नेम बता दे रहा हूँ, आप यहाँ पर कैटेगरी आपकी दी गई तो आप चेक कर सकते हैं। आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इसके साथ यहाँ पे आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इसके साथ यहाँ पे आपको ह्यूमनिटीज एंड सोशल साइंस के सब्जेक्ट भी देखने को मिलेंगे, जिनमें आप यहाँ पे इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जिसमें आप यहाँ पर ये आपकी रेगुलर और पार्ट टाइम की पीएचडी के स्पेशलाइजेशन दिए गए हैं, तो आप इनको चेक करके आप ह्यूमनिटीज के सब्जेक्ट में भी पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये आपके यहाँ पे डिपार्टमेंट्स एंड आपकी कैटेगरी और स्पेशलाइजेशन हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी में दोस्तों अगर आप यहाँ पे पीएचडी इन इंजीनियरिंग में आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपने मास्टर किया हो, मास्टर में आपने अगर एमई एमटेक या एमएस किया है और आपके जो परसेंटेज हैं वो आपके यहाँ पर 60% मार्क्स हैं, या फिर आपको सीजीपीए अगर अप्लाई होता है तो 6.5 सीजीपीए आपका होना चाहिए इन 10-point स्केल पर, और यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे गेट नेट नॉट रिक्वायर्ड पहले ही मेंशन कर दिया गया है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास मास्टर नहीं है और बैचलर डिग्री के बाद पीएचडी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप बैचलर के बाद भी पीएचडी कर सकते हैं। बैचलर में आपके पास 70% मार्क्स होने चाहिए, सीजीपीए आपका दिया गया, चेक कर लीजिएगा। साथ यहाँ पर आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। तो बैचलर के बाद अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके पास 70% मार्क्स और एक वैलिड गेट स्कोर हो, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर आप यहाँ पे थर्ड ईयर बीटेक स्टूडेंट्स हैं और एनआईटी मिजोरम से आप अपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप भी एलिजिबल हैं, आप भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी जो साइंस या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ह्यूमनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं या फिर साइंस के सब्जेक्ट उनके बारे में, तो यहाँ पर आप साइंस सब्जेक्ट में आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए, नेट गेट यहाँ पर भी रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स या इंग्लिश के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए और यहाँ पे भी अगर आप गेट या नेट क्वालिफाई नहीं आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं, तो आपको 5% का एक्सेशन मिलेगा, 50% मार्क्स अगर आपके पास हैं, तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं, आवेदन आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी कैटेगरी या पीएचडी के बारे में, तो ये दोस्तों आपके यहाँ पे नीचे कैटेगरी या पीएचडी दी गई हैं, जिनमें आप यहाँ पे फुल टाइम में रेगुलर स्पॉन्सर्ड सेल्फ फाइनेंस्ड और प्रोजेक्ट स्टाफ की पीएचडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फेलोशिप के बारे में, तो जो कैंडिडेट्स यहाँ पे रेगुलर पीएचडी करेंगे उन्हीं कैंडिडेट्स को यहाँ पे फेलोशिप मिलने वाली है। बाकी अगर आप यहाँ पे स्पॉन्सर्ड सेल्फ फाइनेंस या प्रोजेक्ट स्टाफ करेंगे, तो आपको यहाँ पे कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करेंगे, तो यहाँ पर आपको भी कोई फेलोशिप नहीं मिलने वाली, लेकिन आप यहाँ पर पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर आपको कैसे अप्लाई करना है, तो ये दोस्तों यहाँ पर लिंक दिया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है, और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इस पर हम क्लिक कर लेंगे, आगे हम अभी आपको दिखा देंगे।
इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी एप्लीकेशन फ़ीस की, तो यहाँ पे फीस जो है आपको पे करनी है 200 रुपये जनरल कैंडिडेट्स को और OBC के साथ, यहाँ पे जो कैंडिडेट्स SC ST हैं उनको यहाँ पे 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। फीस जो आपको पे करनी है ये दोस्तों यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, इस पर आप चेक कर सकते हैं, इस पर आपको यहाँ पे फ़ीस पे करनी है। बाकी यहाँ पे ये अकाउंट डिटेल्स भी दी गई तो आप इन्हें यहाँ से चेक कर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की वुमेन कैंडिडेट्स के बारे में, तो जो यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनको कोई फ़ीस पे नहीं करनी है, उन कैंडिडेट्स को फ़ीस पे करने से छूट मिलेगी। अगर आप यहाँ पे स्पॉन्सर्ड PhD करते हैं तो आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होने चाहिए, तो यहाँ पर दिखाया गया है, आप इसे चेक कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर अगर हम बात करें स्कैन पॉइंट्स की, तो यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है वो दोस्तों यहाँ पर आपका टेस्ट या फिर इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा सकता है, उसके माध्यम से यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके नाम पे जो भी आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो दोस्तों यहाँ पे इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे या फिर या आपके यहाँ पे ईमेल के माध्यम से आपसे संपर्क किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी लास्ट डेट की, तो 8 नवंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा तो उसका आप एक प्रिंट आउट ले लीजिएगा, तो जब आप यहाँ पे रिटर्न टेस्ट या फिर इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको यहाँ पे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल वो आपको ले जाने हैं, और जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसे आपको यहाँ पे ले जाना है। इसके बाद आपके यहाँ पे जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे 13 नवंबर 2023 को पब्लिश कर दी जाएगी, और बाकी आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दे दी गई हैं तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी एडमिशन सिलेक्शन प्रक्रिया कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस नोटिफिकेशन में आपके PhD से संबंधित लगभग सभी पॉइंट्स हो गए हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों हम ऑफिशियल साइट पे चलेंगे, कैसे नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, कैसे अप्लाई करना है उसे भी हम देखेंगे। तो अगर आपको ऑफिशियल साइट का लिंक नहीं पता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है, और यहाँ पे आप आएंगे तो न्यूज़ एंड इवेंट्स में आपका ये नोटिफिकेशन मेंशन किया गया, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पर आपका फर्स्ट नोटिफिकेशन मेंशन किया गया 59, ये क्लिक हेयर फॉर डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करके आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे ही, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ही आपका ये लिंक दिया गया है, उस पर आपको क्लिक करना था। और यहाँ पे जब आप क्लिक कर लेते हैं अपने इस लिंक पे, ये यहाँ पे लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना था। जब उस पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ से PhD ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल दिया गया है। यहाँ पे आप अगर न्यू यूज़र हैं तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके पहले आप अपने आप को लॉगिन करेंगे, देन एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ पे भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जब भरिएगा तो जो भी आप डिटेल्स दिए हैं आप उन्हें एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, देन फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे नंबर से ईमेल आईडी दी गई, उन पर आप कॉल और ईमेल कर सकते हैं या फिर अपना क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ पाएंगे। तो इस नोटिफिकेशन में आपके PhD से संबंधित सभी पॉइंट्स हो जाते हैं, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।